अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अफनान तारिक। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हमने अपना असेंबली कोड में अपना नेम प्रिंट करना है। वी आई असाइनिंग कॉन्स्टेंट वैल्यू, कॉन्स्टेंट वैल्यू के थ्रू हम अपना नेम प्रिंट करेंगे। सो फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं अपना डॉक्स बॉक्स ओपन कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने अपना डॉक्स बॉक्स डाउनलोड नहीं किया या आपको इशू आ रहा है डाउनलोड करते हुए, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है वीडियो का, डॉक्स बॉक्स डाउनलोड का। तो आप जल्दी से जाके डॉक्स बॉक्स डाउनलोड कर लें अगर आपने नहीं किया। सिंपल, हम ये कुछ कमांड्स के थ्रू अपना एडिटर ओपन करेंगे जिसमें हम कोड लिखेंगे, असेंबली कोड, और फिर हम इसको रन करेंगे। इस पे फ्रेंड, जैसे हम किसी और लैंग्वेज में कोड लिखते हैं, जावा में लिखते हैं, तो हम पहले स्टार्ट में लाइब्रेरीज इंक्लूड करवाते हैं, देन उसके बाद हम मेन इंट में लिखते हैं या पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखते हैं जावा में। तो सेम एज इट इज़ असेंबली कोड के अंदर हम पहले स्टार्ट में लाइब्रेरीज ऐड करवाते हैं, देन उसके बाद हम मेन ऐड करवाते हैं, और इसके नीचे हम अपने प्रोग्राम का कोड लिखते हैं। सिंपल फ्रेंड, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब मैं अपना नाम प्रिंट करवाना है जैसे, तो मैं एक एक वर्ड को डीएल रजिस्टर के अंदर मूव करवाऊँगा, देन उसके बाद सिंपल इंटरप्ट कॉल कर दूँगा। सेम एज इट इज़ मैं सेकंड वर्ड के लिए भी करूँगा। सो फ्रेंड्स, मैंने अपना नाम कंप्लीट एक एक वर्ड को रजिस्टर के अंदर मूव करवा दिया है। सिंपल, अब हम लास्ट में क्या करेंगे, इंटरप्ट कॉल करवाएंगे। प्रोग्राम को एंड कर देंगे। सो फ्रेंड्स, हमने प्रोग्राम का कोड तो कंप्लीट कर लिया, अब सिंपल हम इसको रन करेंगे। रन करने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर वगैरह तो नहीं है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये करने के बाद हम अपनी फाइल को सेव कर लेंगे। इसको मैं नेम दे देता हूँ, नेम डॉट asm। ASM एक्सटेंशन है, जैसे हम C++ फाइल की हमारी exe एक्सटेंशन होती है, सेम एज इट इज़ हमारी असेंबली लैंग्वेज कोई भी हम फाइल बनाते हैं तो उसकी एक्सटेंशन होती है फाइल की .asm। ओके करेंगे, देन यहाँ से हम एग्जिट कर देंगे।
मूव के स्पेलिंग टू टाइम्स ओ डाला हुआ है, तो यहाँ से एक टाइम हम रिमूव कर देंगे। देन सिंपल इसे मैं सेव करूँगा, देन यहाँ से हम एग्जिट कर देंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। सिंपल आपने लिखना है मैसम डॉट, मैसम हमारी फाइल का नेम, डॉट asm। देन इसके बाद हमने अपने फाइल को ऑब्जेक्ट बनाना है, नेम डॉट obj लिखेंगे। यहाँ पे अगर हमारे प्रोग्राम में कोई एरर वगैरह हो तो यहाँ पे हमारे पास शो कर देता है कि हमारे प्रोग्राम में वार्निंग एरर हैं या सर्वर एरर है हमारे कोड में। तो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद सिंपल हम लिंक करवाएंगे अपनी फाइल को, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया उसके साथ। देन इसके बाद हम इसे सिंपल रन करेंगे, हमारी फाइल का नेम होगा देन डॉट exe। तो फ्रेंड्स, ये देखें हमारे पास जो हमने प्रिंट करवाना था नेम कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ के थ्रू, हमारे पास प्रिंट हो गया है मेरा नेम। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारी वीडियो का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।